गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जिसके पार्ट नंबर 17-18 तक हमने कर लिया था। 17 नंबर पार्ट दो है, ध्यान से पढ़ना, और 19 नंबर पार्ट की आज हम बात कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अपचेन, क्योंकि हमने जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं उनके ऑक्सीकरण की बात कर ली थी। ऑक्सीकरण वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। फिर एक कैनिजारो अपचेन होता है, उसकी भी बात हो गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट एल्डिहाइड कीटोन का अपचेन किया जाता है, और अपचेन कई प्रकार के मेथड के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें पहला मेथड आता है एमपीवी, मीरवीन कोंड्रोफ कोंड्रोफ बर्ली अपचेन, मीरवीन कोंड्रोफ बर्ली अपचेन। एमपीवी जिसका नाम है मीरवीन कोंड्रोफ बर्ली अपचेन, इस अपचेन के अंदर हम एक तो सेकेंडरी एल्को लेते हैं और एक कीटोन लेते हैं, और एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने के दौरान जो कीटोन होता है उसका तो सेकेंडरी एल्कोल में अपचेन हो जाता है, और सेकेंडरी एल्कोल जो होता है उसका ऑक्सीकरण कीटोन में हो जाता है। तो जैसे ओपेन और ऑक्सीकरण करते हैं उसकी तरह ही है ये। तो जैसे हम करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आर आर और सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या है कीटोन, और यहाँ पर लेते हैं CH3 और CHOH, ये क्या है सेकेंडरी एल्कोहल, क्या है भाई सेकेंडरी एल्कोहल। इसकी जो रिएक्शन होती है वो CH3 की ट्वाइस CH और थ्राइस AL, इसको बोला जाता है एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो जो कीटोन होता है वो तो सेकेंडरी एल्कोल में चेंज हो जाता है, और जो सेकेंडरी एल्कोल है वो किस में चेंज हो जाता है कीटोन में। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कीटोन का तो अपचेन हो रहा है, ठीक है, और एक एक हाइड्रोजन जोड़ करके सेकेंडरी एल्कोल में चेंज कर दिया, और सेकेंडरी एल्कोल का क्या हो रहा है कीटोन के अंदर ऑक्सीकरण होता है। तो ये थी मीरवीन कोंड्रोफ वर्ली अपचेन, जिसके अंदर एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में कीटोन का अपचेन करवाया जाता है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है एमपीवी अपचेन या मीरवीन कोंड्रोफ वर्ली अपचेन। क्या है मीरवीन कोंड्रोफ बर्ली अपचेन। देखिए इसके मैकेनिज्म की हम बात करेंगे, तो मैकेनिज्म करते हैं हम यहाँ पर, ये आर टू सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर एम ई टू सी, और इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, और इसके साथ में यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और यहाँ एल्युमिनियम। इस तरीके से ये क्या करेंगे, धीरे धीरे इस तरीके से बॉन्डिंग करना स्टार्ट करेंगे, और जब बॉन्डिंग करना स्टार्ट करेंगे तो अपने जो ये बॉन्ड है इस बॉन्ड का ट्रांसफ़र कहाँ, इस बॉन्ड का ट्रांसफ़र इसके साथ हो जाएगा, ये कर दिया हमने, और जो एल्युमिनियम है वो क्या करेगा इसके साथ में ऐड हो जाएगा। तो सेकेंडरी ये कीटोन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोल में चेंज हो जाएगा, और उधर हमें क्या प्राप्त हो जाएगी कीटोन। तो ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ R2CH
और ओ ए एल ये बन जाएगा, और इधर एम ई टू और सी डबल बॉन्ड ओ, ये तो कीटोन बन गया। और ये फिर आगे किस में चेंज हो जाएगा, आर टू सी एच ओ एच में चेंज हो जाएगा। तो ये तो क्या बना दी, कीटोन बना दी, और ये क्या बना दिया, एल्कोल बना दिया। इसको ऐसे करके तीर का निशान लगा कर एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं अपने, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको सीधा ही बता दिया इसका मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। ये एलुमिनियम जो होता है फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और ये किस में चेंज होता है, सेकेंडरी एल्कोल में, और ये किस में चेंज हो गया, कीटोन में। ये था मीरविन कोंड्रोफ बर्ली अपचैन। काफ़ी सारी अपचैन है जिनके द्वारा हम एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन करवा सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्लीमेंशन अपचयन, सेकंड आता है क्लीमेंशन अपचयन। मीरविन कोंड्रोफ बर्ली अपचयन के द्वारा हमने सिर्फ कीटोन का अपचयन करवाया था, लेकिन क्लीमेंशन अपचयन के द्वारा हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों का अपचयन करवाएंगे। इसकी जो रिएक्शन होती है जिंक एचजी, जिसको बोला जाता है जिंक अमलगम, और एचसीएल की प्रेजेंस में अपचयन करवाया जाता है। जब भी अपचयन करवाते हैं हम, या तो 2H के साथ रिएक्शन करवाते हैं या 4H के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और क्लीमेंशन अपचयन के अंदर क्या होता है, हमें एल्केन प्राप्त होती है। क्लीमेंशन अपचयन के अंदर हमें एल्केन प्राप्त होती है कीटोन से और एल्डिहाइड से। तो जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पर CH3 और CHO है, और इसकी रिएक्शन हम 4H के साथ करवा रहे हैं, और किसकी प्रेजेंस में, जिंक HG और HCl की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। दो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे तो CH3 प्राप्त हो जाएगा, और दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, एल्केन। क्या प्राप्त हो जाएगी, एल्केन, CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। इसकी 4H के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, और रिएक्शन करवाने पर जिंक HG की प्रेजेंस में और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। दो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं तो बन जाता है CH3, CH2 और CH3, और प्लस में H2O, और ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन। तो क्या प्राप्त होगी, एल्केन। तो जिंक HG को बोला जाता है जिंक अमलगम। तो जिंक HG और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ तो क्या लिया है हमने, एल्डिहाइड लिया है, तो एल्डिहाइड से क्या बना दिया हमने, एल्केन यानी कि एथेन बना दिया। और यहाँ हमने क्या लिया है, कीटोन, कीटोन का अपचयन करवाया तो हमने क्या बना लिया, प्रोपेन बना लिया। ये था क्लीमेंशन अपचयन, शायद आपको समझ आ गया होगा। उसके पश्चात नेक्स्ट अपचयन की हम बात करते हैं, और नेक्स्ट जो अपचयन आता है वो है वुल्फ किस्नर अपचयन। वुल्फ किस्नर अपचयन क्लीमेंशन अपचयन की तरह ही प्रोडक्ट देता है। वुल्फ किस्नर अपचयन के अंदर भी क्या होती है, एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन प्राप्त होती है, और इसके अंदर ये होता है कि हम हाइड्रेजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम हाइड्रेजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और हाइड्रेजीन क्या होती है, NH2NH2। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास में यहाँ RH और C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, और एल्डिहाइड की हम हाइड्रेजीन NH2 होता है ना, इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम,
रिएक्शन कराने पर ये एच टू बाहर निकल जाएगा, ये एन टू, ये दो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगी तो आर एच, और ये क्या बन जाएगी सी एच टू प्लस एन टू प्लस एच टू, ये बन जाएगा। और ये हमें क्या प्राप्त हो गई, एल्केन प्राप्त हो गई भाई, ठीक है। फिर उसके बाद में कीटोन की सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रिएक्शन करवाते हैं NH2 के साथ में, और ये H2O, ये N2, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा CH2 प्लस N2 प्लस H2, ये भी क्या बन गई, एल्केन बन गई। तो हम ऑल ओवर इन दोनों का एल्डिहाइड कीटोन ना लेकर के इकट्ठा ले लेते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोनिल समूह को ही ले लेते हैं, और इसके साथ में हम हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल ये H2, और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाती है CH2 N2 और प्लस में H2O। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म इस तरीके से होता है, जैसे हमारे पास ये कार्बोनिल समूह है और इसकी हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवाएं हम, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर सी डबल बॉन्ड एन और एन एच टू बन जाएगा, और यहाँ से फिर नाइट्रोजन बाहर निकाल देंगे और सी एच टू, और क्या बन गई, एल्केन। तो कौन से तरीके से ही करवा लो, हमें क्या प्राप्त होगी, एल्केन प्राप्त होगी। एल्डिहाइड और कीटोन का वुल्फ किस्चनर अपचयन करवाते हैं, तो हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एल्डिहाइड से तो कीटोन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है, सॉरी कीटोन से भी हमें एल्केन प्राप्त होता है। इन दोनों की जगह हम नॉर्मल सी डबल बॉन्ड कार्बोनिल समूह लेकर भी रिएक्शन करवाएं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होती है, एल्केन प्राप्त होती है। और इसके मैकेनिज्म को देखें तो पहले वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं, फिर N2 को बाहर निकालते हैं, और हमें क्या प्राप्त हो जाती है, एल्केन। तो ये थी वुल्फ किस्चनर अपचयन। एल्डिहाइड कीटोन कई प्रकार के अपचयन शो करते हैं और प्रोडक्ट भी अलग अलग प्रकार के बनाते हैं। नेक्स्ट जो अपचयन आता है वो आता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अपचयन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अपचयन। ठीक है, तो इसके अंदर है एल्युमिनियम, ठीक है। अब देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को कैसे शो किया जाता है, LiAlH4, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपने एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन करते हैं तो हमें एल्कोल प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड से हमें प्राइमरी एल्कोल और कीटोन से हमें सेकेंडरी एल्कोल प्राप्त होता है। तो एल्कोल वाला चैप्टर किया था तब हमने इस रिएक्शन को किया भी है। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का अपचयन करवा रहे हैं, या हम 2H के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। एक हाइड्रोजन इस CH के साथ जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा RCH2O और H, क्या बन गया, प्राइमरी एल्कोहल, क्या बन गया, प्राइमरी एल्कोहल। देखिए यहाँ पर CH2 के साथ OH जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी एल्कोल बोलेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या लेते हैं, कीटोन, और कीटोन की भी
2H के साथ रिएक्शन करवाते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो ये एक हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और एक ऑक्सीजन के साथ में, और क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अपचयन करवाया जाता है तो एल्डिहाइड और कीटोन से प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में अगला आता है सोडियम बोरोहाइड्राइड अपचयन। सोडियम बोरोहाइड्राइड अपचयन, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 होता है, NaBH4 की रिएक्शन करवाएंगे। NaBH4 की उपस्थिति में एल्डिहाइड कीटोन का क्या करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे, और हमें क्या प्राप्त होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये एल्डिहाइड ले लिया हमने और इसकी 2H के साथ रिएक्शन करवाएंगे NaBH4 की प्रेजेंस में। सेम यही रिएक्शन होती है, बस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जगह में क्या करना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड करना है। एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो RCH2OH आ जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल बन गया। और दूसरा कीटोन लेंगे और कीटोन की 2H के साथ रिएक्शन करवाएंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में, RCHOH क्या बन गया, सेकेंडरी एल्कोहल। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होते हैं उनकी रिएक्शन सेम ही होती है, बस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जा लगा है वहाँ में सोडियम बोरोहाइड्राइड करना है एल्डिहाइड कीटोन से। दोनों ही जो अपचयन करने वाले कारक हैं वो दोनों ही क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण करते हैं। ये अपचयन की कुछ अभिक्रियाएं थी, इसके अलावा अपचयन की कुछ अन्य अभिक्रियाएं भी करेंगे हम। अपचयन की कुछ अन्य अभिक्रियाएं, पहला है अम्ल उत्प्रेरित अपचयन अभिक्रिया, अम्ल उत्प्रेरित अपचयन अभिक्रिया। अम्ल उत्प्रेरित अपचयन अभिक्रिया के अम्ल उत्प्रेरित अपचयन बोलो या उत्प्रेरक की अपचयन बोलो या उत्प्रेरक की अपचयन हाइड्रोजनीकरण भी बोल सकते हैं इसको, इसको उत्प्रेरक की है, उत्प्रेरक की है हाइड्रोजनीकरण भी कह सकते हैं, क्योंकि उत्प्रेरक की अपचयन करवाएंगे तब हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। इसको अपचयन काट दो, यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कर दो, अब सही रहेगा, क्योंकि हम H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और H2 के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो उसका हाइड्रोजनीकरण बोला जाता है। अपचयन में 2H 4H के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले एल्डिहाइड लेंगे और एल्डिहाइड का की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे निकल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में। एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा RCH2OH, तो क्या बन गया, प्राइमरी एल्कोहल। किससे बन गया, एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल बन गया, ठीक है। फिर हम कीटोन लेंगे और कीटोन का
हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे निकिल उत्प्रेर की प्रेजेंस में, तो एक तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, एक ओ के साथ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। क्या बन जाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर दूसरी जो रिएक्शन आती है वो आती है पीने को लपचेन। दूसरी जो रिएक्शन आती है वो है पीने को लपचेन। पीने को लपचेन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पीने कोल का निर्माण होता है। क्या होता है भाई? पीने कोल का निर्माण होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पीने को लपचेन। और ये जो अभिक्रिया होती है वो कीटोन के साथ करवाई जाती है। अपने कीटोन लेते हैं और अमल उत्प्रेरित मैग्नीशियम या अमल गलित मैग्नीशियम को काम में लेते हैं और उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम कीटोन के साथ। तो जैसे ही रिएक्शन कीटोन के साथ करवाई जाती है तो एक मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण होता है और उस मध्यवर्ती उत्पाद का अगर जल अपघटन किया जाता है तो हमें पीने कोल प्राप्त होता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है पीने कोल अपचयन। जैसे देखिए CH3 और CH3 सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन के दो मॉलिक्यूल लेते हैं हम, MG के साथ रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने पर CH3 और CH3 इस कार्बन के साथ ये इधर जुड़ गया, फिर दूसरे कार्बन के साथ CH3 और CH3 ये ओ इधर आ गया। ये देखो दोनों कीटोन के मॉलिक्यूल जोड़ दिए और इसके साथ हम क्या करेंगे, MG को जोड़ देंगे, मैग्नीशियम को जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर अपने क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे और जल अपघटन करवाने पर ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, CH3 ये कार्बन CH3 इसके साथ OH जुड़ जाएगा और फिर ये कार्बन इसके साथ भी OH जुड़ जाएगा और CH3 और CH3 और बाकी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको बोला जाता है पीने कोल। क्या बोला जाता है भाई? पीने कोल। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, पीने कोल अपचयन। तो अपचयन की कुछ अन्य अभिक्रियाएं थी जिसके अंदर एक तो अमल उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण बोलें या उत्प्रेरक की हाइड्रोजनीकरण बोलें, जिसके अंदर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है LDH से 1 डिग्री एल्कोहल और कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। फिर पीने कोल अपचयन के अंदर कीटोन की MG के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, एक मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण होता है और फिर इसको जल अपघटित किया जाता है तो क्या बनता है, पीने कोल। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, पीने कोल अपचयन। इसके साथ ही हमारी ये कुछ अपचयन संबंधी रिएक्शन थी वो कंप्लीट होती हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।